हेलो, वेलकम टू एक द होम फूड्स। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चटनी मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें ये वो चटनी है जो हम भूल गए होंगे कभी बनाना। सौंठ बनाते हैं, सौंठ की रेसिपी मेरे चैनल पे है, लेकिन आप ये जो बनाना डाल के केला डाल के जो एक चटनी बनाते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, हेवन जिसे कहते हैं। मतलब कोई भी डिप आप बनाए ना, कोई भी चटनी बनाए, इसके सामने फीकी है भाई। तो ये जरूर आपने बनानी है और मुझे बताना कैसी आपको लगी। बहुत ही सिंपल, बहुत एक टाइम दो टाइम के लिए मैंने आपको चटनी का मेजरमेंट बताया है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जिससे कि आप एक या दो समय के लिए बना सकते हैं, फ्रिज में हफ्ता भर रख सकते हैं, कोई खराब होने की चीज नहीं है। 3-4 दिन तो पक्का चलती है फ्रिज में आराम से, क्योंकि इसमें बनाना डाला है। इसलिए अगर आप बनाना ना डाले तो काफी 4-5 महीने तक भी सौंठ जो है फ्रिज में रखी जाती है। लेकिन उससे पहले आपको करना यह है कि एकता होम फूड्स को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबानी है, शेयर करना, लाइक करना, और कॉमेंट्स में भी बताना है कि भाई मैं क्या जो रेसिपीज आपके लिए बना रही हूँ आपको कैसी लग रही है, और आपने बनाई तो कैसी लगी आपको, आपके बच्चों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, घर में, बाहर में, सबको कैसी लगी। तो जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और मेरा एक तो होम फूड्स फेसबुक में भी पेज है, इंस्टाग्राम में भी मेरा पेज है, और यूट्यूब चैनल तो है ही, जो कि आप देखते हैं। और भी लोगों को जोड़िए, अच्छा लगता है सबके साथ अपनी इजी वाली जो होती है क्विक और बढ़िया रेसिपी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से भाई नॉलेज और बढ़ती है। तो इसी तरह से रेसिपीज की भी न्यू आइडिया आते हैं अगर आपके कॉमेंट्स में हमको और भी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो आइए देखें कैसे बनाएंगे ये सौंठ केले वाली। हेलो, वेलकम टू एक होम फूड। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम सौंठ, जिसमें कि हम बनाना भी डालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ये दो छोटे वाले अलग के बनाना थे जो साउथ में आते हैं। अगर आप बड़े वाले बनाना, नॉर्मल बनाना ले रहे हैं, तो आप एक ही बनाना लीजिए जो पका हुआ हो, बहुत ही ज्यादा पका ना हो, पर हाँ पका हुआ हो। और ये इमली का पल्प मैंने लिया, जो कि मैंने लिया है 40 ग्राम इमली का पल्प लिया। और नहीं, अगर आपके पास पल्प है तो आप इमली भिगो करके उसका पानी ले सकते हैं। पानी मतलब थोड़ा ज्यादा निकलेगा, पल्प गाढ़ा होता है तो पानी इससे डबल हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसे फिर हमें पकाना ज्यादा पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इमली का पल्प ले, जैसे कि ये देखिए जो पैकेट का ये मैं रखती हूँ अपने पास में, इट्स वेरी गुड। इसमें कोई मट्टी भी नहीं आती, मेन चीज होती है, हमको लगता है कि थोड़ी किरकिर आएगी, पर नहीं, ये इंदिराज का 100% नेचुरल टैमरिंड कॉन्सेंट्रेट है, एंड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल किसी भी चटनी में या सांभर में या इस तरह से सॉल्ट बनानी हो तो ईजी रहता है, उतना ज्यादा हैजल नहीं रहता है। सो थोड़ा सा जो है किचन के काम को जल्दी करने के लिए, क्विक करने के लिए, हैजल फ्री करने के लिए, तो ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगता है। पर इफ यू कैन डू इट विद फ्रेश इमली देन आल्सो इट्स फाइन। और ये गुड़ है, गुड़ मैंने लिया है 60 ग्राम, मतलब कि आप 60 ग्राम भी ले सकते हैं, 40 ग्राम भी ले सकते हैं, 80 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 60 ग्राम जो है बिल्कुल बढ़िया रहेगा इसमें कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होना होता है चटनी को। तो गुड़ इतना लेंगे 60 ग्राम, तो जितनी मेरी क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उतने के लिए बहुत अच्छा है। और ये पानी मैंने लिया 300 ml पानी लिया है, जिसके कि हम चटनी बनाएंगे। बाकी ये मसाले हैं जो कि बहुत जरूरी है, तो ये सादा नमक हमने थोड़ा सा ले लिया है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अंदाज से 1/3 चम्मच ऐसे ले लिया है, और उतना ही हमने काला नमक ले लिया। तो दोनों नमक को मिला के उसका हिसाब किताब सही बैठना चाहिए, अंदाज से आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। और ये आधी चम्मच जो है मैंने अदरक का पाउडर लिया है, आप चाहें तो फ्रेश जिंजर भी बिल्कुल बारीक कद्दूकस में ग्रेट करके डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और ये लाल मिर्ची रंग वाली मैंने ली है, तो इससे चटनी का रंग बहुत अच्छा आता है। जो भी लाल मिर्ची आपके घर में आप यूज कर सकते हैं, बट ये कश्मीरी और तीखी वाली भी है, तो ये हमने लिया। थोड़ी सी दो चुटकी हींग ली है, आधी चम्मच हमने सौंफ ली है, जो कि ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू पुट डालो, नहीं है तो यू जस्ट अवॉइड। अगर आप जीरा डालना चाहते हैं तो आप जीरा भी डाल सकते हैं इसमें। और ये जो है खरबूजे के बीज है, ये भी आपकी मर्जी पे है, बस इतने बहुत जरूरी है कि हाँ भाई ये अराउंड 2-3 ग्राम जो है खरबूजे के बीज, मतलब 1 चम्मच भर के आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, आपने बस एक पैन रखना है गैस के ऊपर, और उसमें आपने ये 300 ml जो है पानी मिला देना है, और आपने उसमें ये गुड़ भी डाल देना है, और सारी चीजें जो हम इसी में डाल देंगे, इमली भी हम इसमें डालेंगे। पहले मैं सारे मसाले डाल दूं, और गैस या जिसके भी आपने रखा है उसको आप ऑन कर दीजिए। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान है, जस्ट ऐड एवरीथिंग टुगेदर, कुछ भी मतलब ना ऑयल वॉयल भी इसमें होता नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हमने इसमें डाल दी हैं, और इमली भी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा यही पानी जो आपने लिया था उसी को ही आप घोल के इसी में निकाल के रबर स्पैचुला से पूरा आप इस कटोरी को क्लीन कर दीजिए इमली लगा के। केला हमने अभी नहीं डालना, थोड़ा बाद में डालेंगे, नहीं तो बिल्कुल घुल जाएगा। ये थोड़ी सी बना के फ्रिज में रखिए, 4-5 दिन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दही बड़े के ऊपर डालनी हो या यूं ही पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये, स्पेशल दही बड़े के लिए बनाई जाती है। और किसी चाट वाट के ऊपर डालने के लिए केले वाली जो होती है ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये इसी में से पानी लेके हमने कटोरी में खोल के वापस डाल दिया है, अब इसको हमने बॉईल होने देना है। बीज भी हम थोड़ा बाद में डाल देंगे,
क्योंकि बीज तो खराब होने वाली चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि केला डाला है तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए आप अगर बिना केले के बनाएंगे तो ज्यादा देर तक रहेगी। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है खट्टी मीठी चटनी की, वो आप देख सकते हैं, जो कि आप महीनों तक रख सकते हैं, कम से कम 4-5 महीने आराम से फ्रिज में वो रह जाती है। कभी भी आप कोई भी चीज ऐसी चाट टाइप बनाए तो इट्स वेरी हैंडी। जैसे कि हरी चटनी, मीठी चटनी, दोनों की रेसिपीज मेरे चैनल पे, और काफी सारी दूसरी चटनीज भी हैं, साउथ इंडियन चटनी है, टमाटर की चटनी है, डिप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो आप देख सकते हैं। पर फिलहाल हम जो है एक बिल्कुल देसी चटनी बना रहे हैं, जिसका कि मज़ा ही कुछ और है, देसी फूड इसे हम कह सकते हैं। अब इसको बॉईल आने देते हैं, एक बॉईल अच्छे से हो जाए, टेस्ट आप कर लीजिए इसमें। अगर आपको नमक कम ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, कम लग रहा हो तो थोड़ा सा ऐड और कर सकते हैं, मिर्ची जैसे लाल मिर्ची डालिए, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड सम मोर चिलीज टू दिस। जब तक वो चटनी बॉयल हो रही है उतने में हम ये जो है केले के पतले पतले टुकड़े काट लेंगे गोल गोल। ये हमने इस तरह से केले के देख सकते हैं आप गोल गोल टुकड़े काट लिए, बहुत ज्यादा पतले मोटे नहीं है, बिल्कुल मीडियम से साइज के गोल राउंड्स काट लिए, और बीज भी हमारे भी पड़े हैं। और ये चटनी जो है देखिए बॉयल हो रही है, बॉयल हमें इसको करना है। कभी कभी क्या होता है गुड़ से ये ज़्यादा गाढ़ी देर में होती है, लेकिन चीनी से जल्दी हो जाती है, सो यू कैन ऑल्सो ऐड इसमें चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने गुड़ से बनाई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर ठीक है, फिर भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आपने मीडियम गैस पे रखा है, मीडियम से हाई गैस पे, तो ये चटनी जो है अपने सही कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी, यानी कि जैसे एक तार की चाशनी होती है उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसमें केला डाल रहे थे हम इसको ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे, फिर भी एक तार की ज़रूर बनाइए। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि 15 मिनट कुक करनी है, तो ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं, और इसमें हम ये बनाना डालेंगे, मैंने बनाना भी नापे हैं, तो ये है 90 ग्राम्स बनाना, और बनाना और ये खरबूजे के बीज भी हम इसमें डाल देंगे। बनाना का नाप जो है मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि हम देख सकें कि भाई हमारी इतनी सारी क्वांटिटी लेकर के हमारी चटनी बनी कितनी है फाइनली। तो ये बनाना डाल के भी थोड़ी कुकिंग हो जाए इसके अंदर 3 मिनट्स, टोटल 15 मिनट में जो है ये आपकी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। आई मीन आपकी चटनी नहीं, ये बनाना डाल के केले वाली सॉस जो है तैयार हो जाएगी। 3 मिनट्स इसको हम और पकाते हैं। बहुत ही यम्मी दिखने में भी आपको लग रहा है, दिख रहा है ना कि कितनी बहुत ही यम्मी लग रही है, और देखिए साइड से भी थोड़ी गाढ़ी हो गई, आपको दिख रहा है साइड से, देखिए इस तरह से गाढ़ी हो गया है, तो इसे चिपकने लग गया है। और ये जब एक और पहचान ही होती है कि ये जो लास्ट वाली बूंद आप देखेंगे ना, तो ये बड़े आराम से गिरेगी जब आप ये देखिए ऐसे एकदम से जल्दी से, जब आप ऐसे चटनी ली थोड़ी सी गिरेगी, और उसके बाद जो लास्ट वाली है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरेगी, मतलब कि चटनी की कंसिस्टेंसी हमारी बहुत अच्छी है। तो ये लीजिए भाई, हमारी चटनी बनके तैयार है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो एग्जैक्टली जो है हमने 15 मिनट में इसको कर देना है बंद। ये जैसे मेरे सौंठ बनी हुई थी, ये मैंने फ्रिज में रखी थी, ये केले वाली नहीं थी, ये सिंपल सौंठ थी, जो कि मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी है, वो आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनती है। और ये देखिए ये हो गई है, और मैंने इसको नापने के लिए रखा है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कितनी सौंठ बनी है, हमने कितने जो मेजरमेंट लिया है हमने उसमें से, और इसको पूरा मैं रबर स्पैचुला से सारा इसका लिक्विड जो है कटोरी में निकाल लूंगी। ये मैंने पूरा अच्छे से इसमें से निकाल लिया है, और ये देखिए ये हमारी बनी है 221 ग्राम्स जो है चटनी बनी है, जितना मैंने आपको मेजरमेंट बताया था, यानी कि 300 ml पानी, 60 ग्राम गुड़, 40 ग्राम इमली, और बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी सी आधा पौना चम्मच हमने डाली थी, और केला डाला है 90 ग्राम्स। तो बहुत बढ़िया, एक अच्छा बोल भर के चटनी बन जाती है। अगर आपने मान लीजिए 5-6 लोगों का परिवार है, तो एक बार के लिए किसी भी चीज पर डालने के लिए, दही बड़े डालने के लिए, दही बड़े के ऊपर, या फिर किसी से भी आपका है, बहुत बढ़िया चटनी बनकर तैयार होती है। तो आप भी ये चटनी जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी, आई गारंटी यू। और जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज अभी करिए, और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको जो मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेंगी, और आप बढ़िया बढ़िया खाना जो कभी कभी भूल जाते हैं हम बनाने, वो आप बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी। सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग सम देसी रेसिपी आई विल शेयर विद यू। टेक केयर।